बाबा बर्फानी की चमत्कारिक कहानियाँ, बाबा की गुप्त गुफा का अविश्वसनीय रहस्य, कबूतर के जोड़े की कहानी कल्पना से परे, बाबा अमरनाथ की चमत्कारिक कहानियों से पूरी मानवता परिचित है। कहा जाता है कि भोले जितने भोले हैं उतने ही रहस्यमय भी। जिस अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं और पूरे भक्तिभाव से खतरों का सामना करते हुए भोले के दर पर पहुँचते हैं, उन्हीं भोले की अमरनाथ गुफा से कई रहस्य जुड़े हैं। अमरनाथ गुफा सिर्फ एक पहाड़ी का हिस्सा भर नहीं बल्कि इसकी लंबाई अपरिमित है। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा का दूसरा रास्ता जिस ओर खुलता है वो भी भगवान शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और उसे शिव खोड़ी गुफा के नाम से जाना जाता है। ये गुफा जम्मू कश्मीर में भगवान शिव से जुड़ी एक अनोखी जगह है। कहा जाता है कि इस गुफा में खुद भगवान शिव निवास करते हैं। गुफा में एक निश्चित दूरी तक ही जाने की अनुमति है, इस अनुमति को तोड़ने वाला वापस नहीं आता। जम्मू से लगभग 140 किलोमीटर दूर उधमपुर नामक जगह पर भगवान शिव की ये चमत्कारी गुफा स्थित है। द्वापर युग में भी शिवखोड़ी नाम की इस गुफा का वर्णन आता है। बताया जाता है कि जो सिद्ध साधु अमरनाथ को जा रहे थे वो यहीं से जाते थे। पहले ये साधु भगवान शिव के यहाँ दर्शन करते थे, तब यहाँ माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ तपस्या करती थी। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस गुफा का पानी एक बूंद भी अमृत के समान बताई गई है। कहा जाता है कि साधु संत गुफा के पानी से ही तंत्र मंत्र साधना की प्राप्ति कर लेते थे। कई साधु तो इसी जल को पीकर सालों तक जिंदा रहे। शिवखोड़ी गुफा का शिवलिंग खुद से प्रकट हुआ माना जाता है। देश से दूर दूर से साधु संत इस शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। हजारों साल पहले जब साधु यहाँ से गुजरते थे तो उनके अनुसार कोई शिवलिंग यहाँ नहीं था, किंतु एक बार अचानक से ही गुफा में शिवलिंग पाया गया जो पूरी तरह से प्राकृतिक दिखता है। इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यहाँ पर एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अंदर जाना मना है। काफी साल पहले कुछ लोगों ने इस बात को नहीं माना, वो अमरनाथ इसी गुफा से जाना चाहते थे। वे गए तो लेकिन लौट कर नहीं आए। तब से गुफा में किसी ने आगे जाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ शिवखोड़ी गुफा का होना ही अमरनाथ का रहस्य हो ऐसा नहीं, बल्कि बाबा बर्फानी के इस धाम में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है यहाँ रह रहा कबूतर का जोड़ा। कहा जाता है कि ये जोड़ा हमेशा से यहाँ है और इस जोड़े को अमरत्व प्राप्त हो गया है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, साथ ही आपकी गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत की आवश्यकता थी। गुप्त स्थान की तलाश में चलते हुए महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटे उसे पहलगाम कहा गया, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहां से कुछ आगे जाने पर शिवजी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग किया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वो चंदनवाड़ी कहलाई। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इसके कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन पांच चीजों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। महादेव ने जीवन के उन गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू की। कहते हैं कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, लेकिन दो सफेद कबूतर इस कथा को सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो महादेव की नजर उन दोनों कबूतरों पर पड़ी, जिसे देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। कहते हैं कि ये दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने आपकी अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। तभी से महादेव ने उन कबूतरों को वर दिया कि वो सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। बाबा बर्फानी की कहानियां अनंत हैं, उनके स्वरूप का विस्तार भी अनंत है और उनकी चमत्कारी कहानियां मन में कौतूहल पैदा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।